खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लैकी के परिवार बा। कहा बा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोल के जिम्मेदार बा। कहा बा, बीजेपी ने मुझे कभी बुलाया नहीं। अच्छा। मैंने कभी मना किया नहीं। अगर बीजेपी बुलाती है तो आप जाएंगे? श्योर जाऊंगी। हाँ। मंच सजाना चाहिए, चरचर लाठी मारना चाहिए इन लोगों को। वो अवार्ड देने आप जाएंगे अगर ऐसा? बिल्कुल हम जाएंगे। हाँ। हम तो जाएंगे, लाठी मारेंगे, लाठी मारेंगे, चरचर लाठी मारेंगे। और चीज, सॉरी माफ करिएगा, इनकी एक्टिंग बड़ी गंदी होती है, बड़ी गंदी होती है। कह रहे भोजपुरी कलाकारों की एक्टिंग गंदी होती है? हाँ हाँ, बड़ी गंदी होती है। अरे मोदी जी कहे ले ने उने नहीं जाना, घर ही बैठ देश भक्ति निभाना, हमरे जाना कहे ले जाए दाए धानी बहारी, ए हो सैया बलमुआ बैठाए के ठहरी। तो मैं तो अपने गीत के माध्यम से ये बता रही हूँ कि मोदी जी बोले हैं इन्हें उन्हें नहीं जाना है, और देशभक्ति निभाने का इतना शौक है तो घर में ही बैठे रहो, कहीं आहार बाहर नहीं जाना है। और आप कहते हैं कि मोदी जी पे उखड़ी रहती हैं। सवाल और है कि आजकल आप अपने पति हिमांशु जी के साथ अलग अलग जगहों पर घूमने जा रही हैं, तब तो लोग घेर लेते होंगे, सेल्फी लेने लेते होंगे, कोई ऐसी यादगार ट्रिप जिसे शेयर करना चाहो? हाँ क्यों नहीं, बहुत सारा है, मैं तो अभी भूल रही हूँ कि क्या क्या है, बहुत सारा ऐसा है। कई बार ऐसा हो जाता है मैं मास्क भी पहने रहती हूँ, लोग कहते हैं तुम नेहा हो ना, तुम्हें कहती यार मास्क के अंदर से आप कैसे पहचान। आज ही मैं लिट्टी चोखा खा रही थी। नेहा सिंह राठौर का इंटरव्यू आपने पहले भी देखा है, कुछ दर्शकों का सवाल था जो कि हम नेहा सिंह से रखने वाले हैं। नेहा सिंह सबसे पहले तो स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया भैया आपका, बहुत सारा लोग देखत बा ओकरा के भी, नेहा सिंह राठौर के प्रणाम बा। पिछला जो इंटरव्यू था उसमें कुछ सवाल आए हैं जनता, उसके लिए तैयार है? अरे नहीं बिल्कुल, कोनो भी सवाल पूछी। हाँ। जब आदमी ईमानदार होके लाना तो ओकरा कोनो सवाल से डर ना लगे। चलिए पहला सवाल है, नेहा सिंह राठौर जब कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में दिखती है तो कुछ लोग ट्रोल करने लगते हैं, नेहा भारत जोड़ो यात्रा में जाना कांग्रेस का सपोर्ट तो नहीं है ना? नहीं नहीं देखिए, मुझे जो बुलाएगा मैं वहाँ जाऊंगी। बीजेपी ने मुझे कभी बुलाया नहीं। अच्छा। मैंने कभी मना किया नहीं। अगर बीजेपी बुलाती है तो आप जाएंगे? श्योर जाऊंगी, जाऊंगी बेरोजगारी के गीत गाने भाई। अच्छा। और सामने से गीत गा के आऊंगी। उनका सपोर्ट करने नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, बुलाए तो सपोर्ट में देखो किसी का नहीं करने आए, कांग्रेस का नहीं कर रहे। मैं कांग्रेस का सपोर्ट करने नहीं आई थी। हाँ। मैं यहाँ आके किसान गीत गाई हूँ, मैं यहाँ आके बेरोजगारी का गीत गाई हूँ। कौन सा किसान गीत गाए थे, थोड़ा सा दो मैं सुनाती हूँ। ये हुई ना बात, हम यहाँ सपोर्ट उपोर्ट नहीं करने आए हैं, हम अपनी बात कहने आए हैं और अपने अपनों की बात करने आए हैं। भादो आषाढ़ चाहे जेठ के घाम के हू बूझे नहीं, भादो आषाढ़ चाहे जेठ के घाम के हू बूझे नहीं हो, बारहो महीना नहीं करे आराम के हू बूझे नहीं। दूसरा सवाल है, नेहा मोदी जी पर इतना उखरी हुई क्यों रहती है? अरे बिल्कुल नहीं उखरे हुए रहते हैं भैया, और स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर मैंने गीत गाया था, लॉकडाउन लगा था ना, मैं आप लोगों को भी बता देना चाहती हूँ। तो मैंने पता है क्या गीत गाया था, अरे मोदी जी कहे ले ने उने नहीं जाना, घर ही बैठ देश भक्ति निभाना, हमरे जाना कहे ले जाए दाए धानी बहारी, ए हो सैया बलमुआ बैठाए के ठहरी। तो मैं तो अपने गीत के माध्यम से ये बता रही हूँ कि मोदी जी बोले हैं इन्हें उन्हें नहीं जाना है, और देशभक्ति निभाने का इतना शौक है तो घर में ही बैठे रहो, कहीं आहार बाहर नहीं जाना है। और आप कहते हैं कि मोदी जी पे उखड़ी रहती हैं। मैं एक लोकतांत्रिक, मैं नहीं कहता, जनता कह रही है। वही वही वही, आपकी बात नहीं, लोग कह रहे हैं। तो मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मुझे लगेगा कि ये काम बहुत अच्छा है तो मैं सपोर्ट करूंगी, और मुझे लगेगा कि नहीं इस पे बात करनी चाहिए तो मैं सवाल करूंगी। अगर आज सत्ता में बीजेपी है तो मैं उससे पूछूंगी कि भैया तुम तो कह रहे थे कि इतना नौकरी दूंगा, हई दूंगा, हव कर दूंगा, और इतने लोग बेरोजगार हैं, सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, छात्र सुसाइड कर रहे हैं, फी नहीं भर पा रहे हैं, ये सारी समस्या है। अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो कांग्रेस से भी सवाल होते रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे सवाल होगा, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल होगा। तीसरा सवाल है हमारा, भोजपुरी में उठलाली लॉलीपॉप प्रधनवा के रहर में गाना हमेशा ट्रेंडिंग हो जाता है, जबकि साउथ का गाना नाटू नाटू गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत कर आता है, इसका क्या कारण आप देखते हैं?
कहीं ना कहीं इसका कारण जो है बहुत सारा इसके पीछे कारण है। भोजपुरी का जो भी गाना आता है ट्रेंडिंग पे तो चला जाता है लेकिन कोई अवार्ड लेकर नहीं आता है। नहीं, अवार्ड कहाँ से लेकर के आ पाएगा? चोली होठलाली या लहंगा चोली कैला से तोहरा के कोनो पुरस्कार मिली? ये तो सुनल जात नहीं कि लोग एकरा खातिर पुरस्कृत चार लाठी मारे। हाँ, लाठी पुरस्कार इन लोगों के लिए जरूर जो है ये इस तरह का कोई इंतजाम होना चाहिए। जैसे किन लोगों को, किन स्टारों को? नाम मैं नहीं लूंगी लेकिन यही होठलाली कजरवा करने वाले दो चार लोग जो है इनके लिए एक लाठी पुरस्कार होना चाहिए, एक मंच सजाना चाहिए, चरचर लाठी मारना चाहिए इन लोगों को। वो अवार्ड देने आप जाएंगे अगर ऐसा? बिल्कुल, हम जाएंगे, हम तो जाएंगे, लाठी मारेंगे, चरचर लाठी मारेंगे। माफ करिएगा, ये थोड़ा सा अजीब हिंसात्मक किस्म का स्टेटमेंट है लेकिन मतलब कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए। जनता को विरोध करना, हाँ, जनता को विरोध करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। नेहा, आजकल बॉयकट बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है, नेहा बॉलीवुड में क्या वाकई में ऐसी फिल्में बन रही है जिसका बॉयकट होना चाहिए? नहीं, कहीं ना कहीं जनता का भरोसा उठा है तभी तो इतने संख्या में जनता बॉलीवुड से कहीं ना कहीं कटने सी लग गई है। एक तो सबसे पहले उसका रीजन है हिंदी में बॉलीवुड फिल्में बनती हैं, अब बतियाएंगे फिल्म स्टार अंग्रेजी में है, ये इंडिया के, इंडिया से पैसा कमा के कनाडियन का है ना नागरिकता लिए पड़े हैं, तो इंडिया के लोग इतने मूर्ख नहीं है, उनको भी पता है कि कर क्या रहे हो तुम। अक्षय कुमार पे? नहीं नहीं, वो समझ रहे हैं आप, मलाई काटोगे यहाँ से जाकर लंदन पटियाला में तुम घर बनाओगे ये तो नहीं चलेगा बाबू। लोग जवाब दे रहे हैं बायकॉट करके। बिल्कुल, बॉयकॉट का समर्थन कर रही है? नहीं नहीं, देखिए मैं समर्थन या बहिष्कार इस तरह की कुछ भी चीज मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि अगर भारी संख्या में लोग अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो उसकी वजह जरूर है कुछ ना कुछ। अच्छा, आप हमेशा कहते हो मीडिया अपना काम नहीं कर रही, इसलिए आप लोक गायिका होकर काम कर रहे हैं, क्या सरकार की अच्छाई दिखाना बुरी है या फिर मीडिया सिर्फ कमियां ही दिखाए ये सही है? नहीं नहीं, देखिए सरकार को ना मीडिया को ना सरकार की कमियां ही गिनाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये अच्छाई ना अपने बड़े बड़े मंच लगा करके, बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगा करके, लाखों करोड़ों की फंडिंग होती है इन लोगों का, एक जो मंच सजाते हैं है ना इसके लिए, तो ये तो बड़े बड़े मंचों से अपनी बात चिल्ला चिल्ला के माइक में कह रहा है हम तो एक कर दिए, हम तो उक कर दिए, वोट तो हम ही को मिलना चाहिए। तो ऐसे में हम लोगों का जिम्मेदारी है कि हम वो गिनाएं जो तुम नहीं गिना रहे हो, क्योंकि तुम गिनाओगे अपने। अच्छाई करे तो वो गिनाने में बुराई है? नहीं, बुराई नहीं है, पर फिर भी मैं कह रही हूँ कि एक नैतिक जिम्मेदारी, सवाल बिल्कुल सवाल जाए, एक नैतिक जिम्मेदारी ये है कि उनकी कमियां आप गिनाएं, अच्छाइयां तो खुद गिना रहे हैं भाई, बुराई तो गिना नहीं रहे, तो आप बुराई गिनाइए जी। एक सवाल और है कि आजकल आप अपने पति हिमांशु जी के साथ अलग अलग जगहों पर घूमने जा रही हैं, तब तो लोग घेर लेते होंगे, सेल्फी लेने लेते होंगे, कोई ऐसी यादगार ट्रिप जिसे शेयर करना चाहो? हाँ क्यों नहीं, बहुत सारा है, मैं तो अभी भूल रही हूँ कि क्या क्या है, बहुत सारा ऐसा है। कई बार ऐसा हो जाता है मैं मास्क भी पहने रहती हूँ, लोग कहते हैं तुम नेहा हो ना, तुम्हें कहती यार मास्क के अंदर से आप कैसे पहचान। आज ही मैं लिट्टी चोखा खा रही थी, उसका एक वीडियो भी है, मैं अपलोड करूंगी तो आप लोग देखिएगा। तो एक जने आए एकदम बीच सड़क पे, वो होता है ना गाड़ी का हॉर्न बजाने लगे, फिर वो आए मुझसे सेल्फी ली, तो ये तो आए दिन होती रहती हैं। बाकी मैं और हिमांशु बहुत खुश हैं, घूम फिर रहे हैं, आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए मुझे और हिमांशु को। कोई यादगार ट्रिप के बारे में मैंने कहा, कोई यादगार हिमांशु से पूछना पड़ेगा, कोई बहुत ऐसी बहुत सारा ऐसा होता रहता है भैया। भोजपुरी में सिर्फ अश्लीलता हमेशा से नहीं रही, कुछ अच्छे भी गाने बने हैं। एक लोक गायिका के तौर पर क्या आज बिहार यूपी में लोक गायकी का वो मजा था, क्या वो कम हो गया है? हाँ बिल्कुल कम हो गया है ना, एक टाइम पे शारदा सिन्हा जी गाती थी, तो मेरे घरों में आज भी मेरी मम्मी लोग उन्हीं के गानों पे डांस करती हैं। अच्छा। तनी ताकना बलमुआ हमारो री, और ऐसे ऐसे करके ठुमके लगाती हैं, वो भी बड़ा सादा होता है, ढोल और झाल और चम्मच पीट पीट करके ढोल के ऊपर गाती, तो कहीं ना कहीं अब मैं देख रही हूँ वही पुराने ही गीत गाने, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि फिर से वो गीत बजे, लोग उस पर ठुमके लगाएं? अब इतना गंदा गीत तो अपने परिवार में कोई बजाता नहीं है, भले ही हेडफोन लगा के आप भी सुन लेते होंगे लेकिन घर परिवार के माहौल में नहीं बजता है वो गाना, है ना, तो नहीं बज रहा है। नेहा आगे कभी पॉलिटिक्स में आएंगी क्या? नहीं भैया, दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं अभी भोजपुरी के लिए काम करना चाहती हूँ, लगातार कर रही हूँ। अभी नहीं, आगे का प्लान? आगे भी कोई प्लानिंग नहीं, अभी कोई प्लानिंग नहीं है। नेहा सिंह राठौर को यूपी में सिर्फ काबा ही क्यों दिखता है? क्योंकि यूपी में हई बा, यूपी में हऊ बा, लोग तो बता ही रहे हैं, कोई बता ही नहीं रहा है यूपी में काबा, तो नेहा सिंह राठौर को लगा कि मैं बताऊंगी कि यूपी में काबा। एक बार जरा बताएं दर्शकों। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लगी के परिवार बा, काबा अरे मंत्री के बटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोल के जिम्मेदार बा।
बहुत बढ़िया। नेहा, क्या भोजपुरी फिल्में देखती हैं? कई लोग कहते हैं कि भोजपुरी फिल्में आप परिवार के साथ बैठकर नहीं देखी जा सकती, क्या ये सच है? हाँ, हमने नहीं देखी है। हमको तो याद भी नहीं है कि हमने कौन सी एक भोजपुरी की फिल्म बैठ करके देखी है। मैंने नहीं देखी है भैया, मैं नहीं देखती हूँ। कभी ऐसे मम्मी लोग ऐसे देख रही होती हैं तो इतना ऑकवर्ड टाइप का सीन चल रहा हो तो मैं क्या देख रही हो। एक और चीज़, सॉरी माफ करिएगा, इनकी एक्टिंग बड़ी गंदी होती है, बड़ी गंदी होती है। कह रहे भोजपुरी कलाकारों की एक्टिंग गंदी होती है? हाँ, बड़ी गंदी होती है इनकी एक्टिंग। ये वो चीजें ना एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। एक और चीज, इनसे आदमी क्या इंस्पिरेशन ले? भोजपुरी की हीरोइनों की ही अगर हम बात कर लें, बॉलीवुड की हीरोइनों से आप एक चीज सीख जरूर ले सकते हैं, वो बड़ी फिट होती है, बड़ी हेल्दी होती है। भोजपुरी की हीरोइनों से आदमी क्या सीख ले कि खा करके जो है शरीर बिगाड़ लिया जाता है? मतलब किस चीज से आप हीरो हीरोइन वही ना, कि जो कि जिसको लोग अपना बड़ा आइडियल मानने लग जाते हैं। लगे हैं लेकिन मानना नहीं चाहिए। मानना तो नहीं चाहिए लेकिन मानते हैं लोग। हमें भी लगता है कि नहीं मानना चाहिए। हीरो मने का होता है जी, वही जो आकर के झूठ सच का कैमरे पे स्टंट कर रहा है, है ना? तो लेकिन कुछ लोग आपको भी आइडियल मानते हैं, आप भी गाना ही गाते हैं। नहीं ठीक है, वो तो मैं कह रहे हैं ना कि उन लोगों को जो घटिया टाइप के लोग हैं मानना नहीं चाहिए, लेकिन लोग मान रहे हैं, मानते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इन लोगों से क्या ही आदमी इंस्पिरेशन लेगा कि भैया खूब सारा जो है फास्ट फूड खाओ और इधर से चर्बी निकाल लो, उधर से क्या क्या सीखे कि भोजपुरी हीरो से ये बात सीखे कि तुम पहले एल्बम करना भोजपुरी के, इसके बाद सीधे तुम हीरो बन जाना, और कुछ ना आए ना आए तुम हीरो ही बन जाना। भोजपुरी में पता ही नहीं चलता कौन गायक है कौन एक्टर है। अरे देखिए, जो जो है एक्टर तो कोई भी नहीं है, बाकी जो है सो है। नहीं नहीं, गायक भी नहीं है, हम तो ऐसे लोगों को गायक नहीं कहते हैं, छिछोरे गायक हैं। हाँ जी, छिछोरे गायक हैं। लोक कवि और सरकारी कवि के अंतर के लिए भी आप ट्रोल हुई थी, कई लोगों ने समर्थन भी किया, क्या आज आप भी क्या आज भी आप उसी तथ्य पर अडिग हैं? हाँ बिल्कुल अडिग है, मैं लोक कवि हूँ, मैं लोक गायिका हूँ। आप मेरे एक ऐसा गाना दिखा दीजिए जहाँ पे आपको लगे कि नहीं नहीं ये तो लोक की बात नहीं, जो है विपक्ष की बात कर रही है या फिर किसी दरबार की बात कर रही है, आप गिना दीजिए। विपक्ष आपको इतना पसंद क्यों करता है? विपक्ष पसंद क्यों करता है, ये सवाल विपक्ष से होना चाहिए। मुझे कोई क्यों लाइक करता है? जैसे मुझसे बड़े सवाल आते हैं, हिमांशु से क्यों शादी की? तो एक मेरा हो गया, अब ये खुद हिमांशु तुमको क्यों पसंद करते, हिमांशु से पूछो वो क्यों करता है। जी, आप अपने गाने खुद लिखती हैं? एक गाने को तैयार करने में कितना समय लग जाता है? मैं मेरे गाने खुद लिखती हूँ, एक गाने को तैयार करने में कई बार तो होता है कि 2-4 दिन लग जाता है, कई बार होता है कि मैं 5 मिनट में गीत लिख लेती हूँ। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लिखने का मूड बना हुआ है, एक मस्त सी चाय है, मस्त सा माहौल है, तो गीत 5 मिनट में कम्प्लीट हो जाता है। कई बार तो मुझे लगता है कि मैं गीत लिखूँ और नहीं लिख पाती हूँ, और कई बार ऐसा हुआ है कि मैं नहीं लिख पाई हूँ, तो ये भी हो जाता है। एक बार दर्शकों को आप अपना पहला गीत जो आपने गाया था वो दे। पहला गीत स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर। हमरा प्रेम के निशानी देखाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना, छोटकी भौजी बाड़ी कनिया ननदी भैली रे सयनिया, बेटी बहिन के लजिया बचाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना। अब बिहार के दर्शकों के लिए क्या कहना? ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की, आप लोग खूब मेहनत करें, खूब खुश रहें, मेरे ऊपर भी इनके ऊपर भी प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद नेहा। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी भैया। थैंक यू सो मच।